गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम संभू सर, योर माय टीचर। वेलकम बैक टू डे। वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन फर्स्ट, वी हैव हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 9। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन आर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क की ट्वाइस से प्लस 9 करते हैं तो हाईएस्ट स्कोर की इक्वल हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, तो सपोज है दैट लोएस्ट मार्क्स क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। फिर कंडीशन बोले कि यहां से हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर होगा ट्वाइस मीन्स टू एक्स और प्लस। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है हाँ कि हाईएस्ट स्कोर उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है टू एक्स प्लस 9 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82। 2x प्लस 9 बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। और गिवन है उसमें कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 91 है, और आपने x किसको सपोज किया है, लोएस्ट मार्क्स को। लोएस्ट मार्क्स को क्या आपने सपोज कर लिया है, वो है आपका x। सॉल्व करते हैं, 2x 91 माइनस 9 आफ्टर देन 2x इक्वल्स टू 82। 91 माइनस 9 देन वी गेट x इक्वल्स टू 82 अपॉन 2। 2 वन जा 2, 2 फोर जाए 202 मीन्स लोएस्ट मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके x इक्वल्स टू 41 होंगे। क्लियर हो? तो द लोएस्ट स्कोर इज 41। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड। इससे पैरामीटर से रिलेटेड है, आई होप आप लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। चलिए जरा इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया है। थर्ड क्वेश्चन को सपोज करने जाए, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/4 ऑफ एक्स इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। मोर देन मीन्स प्लस 7। सॉल्व कर लें इसको, तो एक्स 1/4 जो है एक्स इक्वल्स टू आई गेट 10 क्रॉस इंटू होता है, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया 40। 4 10 या मीन्स एक्स इक्वल्स टू हो गया 40। अब देखो इसको सॉल्व करके भी देखो, एक्स को देखो 1/4 मीन्स 40 अपॉन 4 मीन्स 10 आ जाएगा। जो 10 है वो इक्वल है 3 मोर देन 7 के। क्लियर, 3 मोर देन 7 के इक्वल है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4th ही है, फाइंड अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। 5 इज मल्टीप्लाइड बाय
क्वेश्चन फोर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको सपोज करना है कि वो नंबर है वो एक्स है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन नंबर इज इंक्रीज्ड y at t means 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर की वैल्यू में चेंजेस आ रहा है कि वो at t इंक्रीज हो रहा है तो then 5x minus x equals to at t 4x equals to at t x equals to at t divided by 4 then we get 4 1 जा 4 4 2 जा x तो x equals to आ रहा है 20 क्लियर। ये क्या आया आपका नंबर, एक्चुअल में नंबर होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो आ रहा है आपका 20। क्लियर, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।